हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के नाहन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कड़ी में ज्वालामुखी में 757 लाख की लागत से बने मिनी सचिवालय, 305 लाख से बने सिविल हॉस्पिटल के आवासीय भवन, 1 करोड़ की लागत से ज्वालामुखी डिग्री कॉलेज के साइंस ब्लॉक, चौखाट भड़ोली के अंतर्गत 150 लाख की लागत से पेयजल वितरण प्रणाली का सुधार एवं विस्तार, 195 लाख से बनी वहा गिलखड़ के स्तोत्र का संवर्धन एवं सुधार और 1425 लाख से बनी तहसील खुड़िया में विभिन्न पेयजल योजनाओं के स्तोत्र स्तर पर संवर्धन का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 1013 लाख से बनने वाले ज्वालामुखी इंडोर स्टेडियम ठेड़ा में 33 केवी सबस्टेशन, 251 लाख से भड़ोली में सिंचाई हेतु अधवानी, बंगरेड़ व डिगर में स्थापित कूपों में वितरण प्रणाली उपलब्ध करवाने, 148 लाख से पुलिस स्टेशन ज्वालामुखी के आवासीय भवन, 106 लाख से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सीहोर पाई और 105 लाख की लागत से बनने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के साइंस ब्लॉक, 270 लाख की लागत से बनने वाले निर्माण सड़क कुरु से घलोर वाया गहलिया पुल सहित का भूमि पूजन और शिलान्यास किए। हमारे ज्वालामुखी शहर के बीच में एक ही छत के नीचे जो है वो सभी कार्यालयों का जो है वो प्रबंध कर दिया गया है। ये जो लघु सचिवालय जिसका आज विधिवत रूप से अभी कुछ ही देर के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजा वीरभद्र सिंह जी नाहन से जो है वो वीडियोग्राफी के द्वारा जो है लोकार्पण करेंगे, जिसका अभी हमने जो है वो माननीय पंडित जी ने और मैंने जो है वो भूमि पूजन की इसका उद्घाटन किया है आप सबकी उपस्थिति में, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट, आज न्यूज़।